सुपनखा की कहानी मिलती है कि सुपनखा आई जी जंगल में जी, राम से कही कि आप बड़े सुंदर हैं जी, आप जैसा मर्द मेरी जैसे औरत अभी धरती पर नहीं आई, हम लोग शादी कर लें जी। तो राम ने संकेत किया, मेरी शादी हुई है, मेरी पत्नी वो सीता जी, लेकिन वो मेरा भाई बैठा हुआ है पेड़ के शोर पर जी, वो अभी कुमारा है, वहाँ जाइए जी। तो राम यहाँ झूठ नहीं बोले, राम को झूठ बोलेंगे जो भगवान है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामायण में तो नहीं दिखाया गया सर, क्या दिखाया गया कि श्री राम जी कहे कि मेरा भाई कुआरा है, क्या दिखाया गया उसमें? नहीं सर, ये नहीं दिखाया। अरे रामायण में लिखा हुआ है जी, क्या दिखाया गया वो छोड़ो जी, रामायण में लिखा हुआ है कि राम ने, राम कहे कि मैं जो है मेरी शादी हो चुकी है जी, जाइए लक्ष्मण से पूछिए जी। क्यों लक्ष्मण फिर विरोध कर, राम जी क्यों विरोध करने लगे फिर? विरोध नहीं, राम ने संकेत किया कि मेरी शादी हो गई है, लक्ष्मण से पूछो जी। तो लक्ष्मण कहे मैं नहीं करूंगा, तो फिर राम क्या है कि वो करने के लिए नहीं कर रहे हैं, ऐसे ऐसे दिखाया गया, तो लक्ष्मण खिसिया के उसका नाक कान काट लिए। तो मुझे एक बात सिर्फ आप बताइए जी, कोई लड़की अगर आपसे शादी करने के लिए कर रही है जी, तो आप उसका नाक कान काट लेंगे? नहीं। तो ये क्यों काटे? और वो लड़की जाके जब अपने घर कहेगी तो जौन पन उतार भाई रही उ तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन जौन पानीदार रही बर्दाश्त ना कर पाई जी। उसमें दिखाया गया रामायण में कि वो सुपनखा जो थी कि अलग अलग भेष बदल के उनको डराने लगी। मतलब भेष कैसे आदमी बदलता है जी? सुपनखा भेष बदलती थी, आपके लोग भेष नहीं बदल पा रहे हैं जी। ये सब एक मनगढ़ंत है, ये सब डिबेट मत कराया करिए, ये सब एक मनगढ़ंत कहानी हम लोगों को मूर्ख बना के रखने के लिए बनाई गई है। मैं इसीलिए अपने लोगों को कहता हूँ कि रामायण छोड़ो, संविधान का अध्ययन करो। संविधान का अध्ययन करोगे तो ये पता चलेगा कौन कौन सा अधिकार, कौन कौन सा आर्टिकल आपके लिए बना है जी। सर रामायण का अध्ययन करोगे, सीता खेत जोतले से, मेघी से मंदोदरी, मच्छरी से मकर ध्वज, हिरनी की पेट से श्रृंगी, मैल से बच्चा, यही सब मिलेगा, पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। एक सर मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों के दिमाग में यही सब चलता है, क्यों वाली भाषा शब्द चलता है। जब आपके बात वो लोग सुनते हैं तो मन में तो ऐसा रहता है कि आप सही बोलते हैं, मगर ये भी मनवा ना मन जी, डेराला जी, भगवान गजब न गिराते जी जी, बस वही है। तो मैं लोगों के दिमाग से इस मैल को इसलिए छाटना चाहता हूँ कि पिछड़ा समाज को अधिकार विहीन रखने के लिए एक कहानी और देवी देवता बनाए हैं कि आप डर करके रहिए जी। लेकिन देवी देवता है ही नहीं है यार, बिगाड़ना बनाना यहाँ प्राकृतिक है जी। जैसे हवा है, सूरज है, वायु है, आग है, पृथ्वी है जी। इसको जो रूप देना है आप दे सकते हैं जी, लेकिन पत्थरों में चार मुड़ी, पांच मुड़ी, आठ हाथ, वो मानने से कोई फायदा नहीं है। सर जैसे कि भारत के लोग मानते हैं कि श्री रामचंद्र जी थे, मानते हैं ना श्री रामचंद्र जी थे, और आपके हिसाब से ये काल्पनिक है, मगर श्रीलंका के लोग ये मानते हैं कि नहीं, कि उनके रावण राजा थे और श्री राम जी आए थे, उनका वध किए थे। तो भाई लंका में अगर राम रावण राजा रहना जी तो मनबे करिए लोग जी, लंका के लोग जी तो मानेंगे ही जी। लेकिन ये बताइए हमें, बहुत सारे तथ्य हैं बाबू जी, ये बताते हैं कि लंका मछली की कांट पर जी भगवान शिव ने बनवाया था और सोने की बनवाया था, हनुमान जी जाके जला दिए। पूछिए उन मूर्खों से कि सोना जलता है? सोना जलता है कभी? सोने पर को तपाएंगे वो पानी की तरह खौल जाएगा जी, बह जाएगा, लेकिन जलता नहीं है। ये सब कहते हैं कि वो सोने का लंका जर के राख हो गई। तो जब सोने का लंका पूरा लंकवे जर गया जी, तो लंका के लोग कहाँ रह गए जी? वहाँ भी कुछ ना कुछ है यहाँ की तरह जी। वहाँ अगर रावण की पूजा होती है जी, तो इस संस्कृति को वहाँ जिंदा रखा गया कि तब लोगन में रही कि यहाँ राम रहनो, वहाँ रावण थे। मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा अनुभव कह रहा है जी जी। चलिए सर, हमारे चैनल पे आने के लिए, अपनी बात
निर्भीक तरीके बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। पहली शक है कि रामायण काल्पनिक वहाँ है, दूसरा शक यहाँ ये है कि सीता खेत जोतने से पैदा हुई, तो खेत जोतने से जब कोई पैदा नहीं हो सकता तो उसका हरण कैसे हो सकता है जी। तीसरी चीज कि हम गाए थे गीत कि जिस धनुष को सीता एक हाथ से उठाती थी बचपन में जी, उस धनुष को रावण नहीं उठा पाए, लेकिन सीता को उठा के लेके भाग चले जी। रावण सीता बचपन में कितनी बलवान थी जी, सयान हुई जब जंगल में गई, विवाह हो गया, तब क्या उसका पैर घट गया। तो इसलिए ये सारे एविडेंस जो बताते हैं जी, अध्ययन के बाद, विचार के बाद, ये 100% झूठ है। खाने से कोई चीज पैदा नहीं होती, धरती खोदने से इंसान नहीं पैदा होता, कीड़ा बिच्छू तो निकल सकते हैं, जीव जंतु निकल सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं निकल सकता जी। ऐसा मेरा मानना है, और मेरा मानना नहीं है, पूरी दुनिया का मानना है, पूरे विश्व का मानना है कि धरती खोदने से इंसान पैदा नहीं होता जी। सर, सर एक डिबेट में आप बताए थे, मैं आपसे पूछा था कि जो उनकी रावण की बहन जो थी सुपनखा, हाँ, तो आप बताए थे कि नहीं उनको रावण ही जैसे उनको जंगल में भेजे थे, शायद शादी उदी के बारे में कुछ बताए थे। रावण भेजे नहीं थे जब माँ, यार सुनो बाबू, मैं एक चीज जब बता दिया जी, कि ये सब कल्पना के आधार पर कहानी गढ़ी गई है जी, तो उस पर बहस क्यों कर रहे हैं सर जी। जैसे और इसी बहस में हमारा देश अब तक अधिकार विहीन है